एक मुझको तू कर नहीं जाता। वॉइस रेस्ट यानी कि गले को आराम देना, अपनी आवाज को विराम देना, ये क्या होता है और एक सिंगर के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है? क्या रियाज ही सब कुछ है या रियाज के अलावा भी कोई परहेज हमें रखना चाहिए, एक प्रिकॉशन हमें रखना चाहिए जिससे कि हमारा गला अच्छा रहेगा? जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, है ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, या फिर मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और तीखा खट्टा मीठा, ये सब आप परहेज जो है इस सब का रख लेते हैं। लेकिन एक परहेज है जो बहुत सारे सिंगर्स हैं जो नहीं रखते हैं, वो ये है कि हमें हमारी आवाज़ का कैसे ख्याल रखना है, कम बोलकर और ना चिल्लाकर। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने अपने पिता गुरु से सीखी है और उन्होंने मुझे ये समझाई है, और वो मैं हर एक व्यक्ति को समझाना चाहता हूँ जो कि संगीत की राह पे चलना चाहता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। नदामत में नींद आने लगी है फुर्कत में, सर ही अब फोड़िए नदामत में। नदामत यानी पश्चाताप। तो जॉन साहब की, जॉन एलिया साहब की लिखी हुई यह गज़ल है और मेरी कॉम्पोजिशन है। जल्दी आप इस चैनल पर, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस पर, इसको एक अच्छी रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। तो आइए फिर से बात करते हैं उसी टॉपिक पर जिसको मैं शुरू कर चुका था कि वॉइस रेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। गला जो है एक मशीन है, एक तरह से मशीन चलते चलते गर्म होती है, गला भी चलते चलते थकता है, गर्म होता है रियाज करते करते। जो लोग ये कहते हैं कि 8-8, 9-9 घंटे का रियाज होना चाहिए, वो लोग ये भी मानते हैं कि पहले दिन से 8-8, 9-9 घंटे का रियाज नहीं होता है, धीरे धीरे शुरुआत होती है। आधे घंटे से मान लीजिए 1 घंटा होता है, फिर 2 घंटा होता है, फिर 2.5-3 घंटा होता है, फिर धीरे 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 ये 7-8-9 घंटे तक पहुंचता है मामला। क्या गला उतना चलने का आदि हो सकता है? क्या गायकी उतने टाइम तक मुमकिन है रेगुलर? तो हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, और रियाज पर निर्भर करता है कि आपने रियाज कितना किया हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ गुणीजन और सारे संगीतज्ञ इस बात से अग्री करेंगे कि इस गले को रेस्ट भी कितना ज़रूरी है, और इसको रेस्ट मिलता है चुप रहने से। जब आप रियाज कर रहे हैं तो रियाज के दरमियान, रियाज के दौरान खाना पीना नहीं होता है, क्योंकि उससे गले पर असर आता है, ये हमें मालूम है। जैसे कि गर्म तवा है, गर्म तवे पे अगर आप पानी छिड़क दो तो कैसे जो धुआं निकलता है, एक चिंगारी सी बनती है, वही हमारे गले का हाल होगा अगर हम चलते रियाज में खाना खा लें या चलते रियाज में हम पानी पी लें तो, है ना। और रियाज के बाद भी हम काफ़ी देर तक पानी नहीं पीते हैं, तो साथ ही साथ हम काफ़ी देर तक बोलते भी नहीं हैं। तो रियाज के बाद तो हमें वो वॉइस रेस्ट, वो मौन रखना ही चाहिए, पर उसके अलावा भी हमें हमारी जो डेली रूटीन में है, हमारी दिनचर्या में, हमें कम से कम बोलने की कोशिश, और कम से कम ऐसी नौबत आए कि हमें चिल्लाना पड़े, उसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि वो जो आपके गले में जो अंदर धागे होते हैं, रेशे होते हैं, उन पर असर डालता है। क्योंकि आप एक सिंगर हैं, आपको बड़ी बारीकी से गाना पड़ता है, आपको स्वर का ख्याल रखते हुए, आपको मेलोडी का ख्याल रखते हुए गाना पड़ता है। तो अगर आप ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाएंगे, वो कर्कशता अगर आप अंदर लाएंगे, तो जाहिर बात है गला आपका बैठना ही बैठना है, ख़राब होना ही होना है। तो जो भी कहता है ना कि मेरा गला ख़राब हो गया मैं क्या करूं, या ज़्यादा गाने से हो गया तो क्या करूं, एक ही इलाज मेरे पिताजी भी हमें भी दिया करते थे कि चुप रहो,
वॉइस रेस्ट करो, अपने आप गला ठीक हो जाएगा। नेचुरल चीज़ है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती है कि ये खा लूँ वो पी लूँ इससे गला ठीक हो जाएगा। नहीं, चुप रहने से बहुत असर पड़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि चिल्लाना तो बिल्कुल ही ना पड़े आपको, चीखना तो बिल्कुल ही ना पड़े, क्योंकि उससे आपका गला जाएगा ही जाएगा, है ना। और रियाज वाला गला है, अगर इस पर आप ज़्यादा स्ट्रेस दोगे, है ना, तो ये जल्दी ख़राब होगा। गायकी फिर भी एक सुर में होती है, एक नपे तुले मापदंड में होती है। चिल्लाना या बोलने का कोई मापदंड नहीं होता है, है ना। आप किसी भी पिच पर चिल्ला सकते हैं, किसी भी पिच पर बोल सकते हैं, इसीलिए आपको अगर पिच में रहना है तो कम बोलना पड़ेगा आपको। चिल्लाना तो बिल्कुल ही नहीं है, है ना, चीखना तो बिल्कुल ही नहीं है। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं खुद अपनी, अगर अपना एग्जांपल दो तो मेरा भी बचपन से आदत रही है, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, है ना। तो मुझे भी मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि कम बोलोगे, मृदुभाषी रहोगे तो सुर में रहोगे। सीधी बात है, जो कम बोलता है, मीठा बोलता है, कम बोलता है, जितनी ज़रूरत उतना ही बोलता है, वो सुर में रहता है, सुरीला रहता है, क्योंकि उसके स्वर बिखरे नहीं रहते। जो ज़्यादा बोलता है उसके स्वर बिखरे हुए रहते हैं, है ना, उसमें वो एक सच्चाई नहीं आ पाएगी स्वर में, उसका एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। ये हमेशा मेरे पिता गुरु ने मुझे भी सीख दी है और मैं भी आप सब तक यही पहुंचाना चाहूँगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी तक पहुंचा सकूँ। क्योंकि क्या होता है कि चलो कुछ रियाज है या कोई टेक्निक है या कोई ऐसी चीज़ मुझ तक पहुंची है जो मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, या यू नो किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो मैं कोशिश करता हूँ आप सब तक पहुँचाऊँ। क्योंकि हमारे गुरुजन यही कहते हैं कि गुरु कहे सो कर, करे सो न कर, है ना, कि वो जो खुद करते हैं उस पर मत जाओ, वो सलाह क्या दे रहे हैं, वो नसीहत क्या दे रहे हैं उस पर जाओ, है ना। तो मेरी दिनचर्या को मत फॉलो कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा है समझा है वो बता रहा हूँ, है ना। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ इसको फॉलो करने की, कम से कम बोलने की, लेकिन क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है, समझाने के लिए एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है, है ना। वरना मैं कोशिश करता हूँ कि अपने दिन में मैं कम से कम बोलूँ, अपना रियाज हुआ उसके बाद मैं मौन रहूँ, चुप रहूँ, ताकि गला जो है मेरा नॉर्मल रहे, वरना गले में थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो कोशिश कीजिए, वॉइस रेस्ट कीजिए, मौन रहिए, फिर देखिए आपका गला कितना बेहतर होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ ना कुछ नया टॉपिक मैं लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ बताता रहूँगा, तो देखते रहिए संगीत प्रवा वर्ल्ड के चैनल को, एंड मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पे नए नए गाने आने वाले हैं, नई नई गज़लें आने वाली हैं, कुछ ना कुछ नया हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहें और सीखते रहें संगीत को। शुक्रिया।